पुणे में एक बिजनेसमैन के पास ऐसे ही अलग अलग कलर की मर्सिडीज रहती है। जबरदस्त है यार। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी सुबह के बजे हैं अराउंड, सुबह के नहीं दोपहर के बजे अराउंड 12। और आज वो गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया और वो गाड़ी लेने जाने का है। एक्चुअली में प्रॉब्लम वो हुआ था कि उसका जो स्टेयरिंग का जो नीचे का वायर आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग का, वो वायर में डिफ़िकल्टी हो गई थी। और उसकी वजह से क्या है कि वो मैं मतलब स्टेयरिंग बहुत हार्ड हो गया था। सो अभी वो लेने जाने का टाइम है। A few moments later. एवरीवन, एंड मस्त वाला फ्लावर जो है वो खिल गया, बहुत ही बड़ा वाला जासूस खिल गया। और इसके अंदर भी ये कृष्ण कमल में भी बहुत सारी वो फूल आने ही वाले, और ये थोड़ा लंबा भी हो रहा है। और ये वाला मेरा फेवरेट वाला जो है, ये पूरा शुगर का जो पूरा प्लांट है, वो भी शुगर का प्लांट नहीं है, स्टीविया का है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वो भी बन गया। बट आज हमें जाने का है मर्सिडीज़ के शोरूम में, टू सर्विस सेंटर में। गाड़ी रिपेयर हो गई है तो वहाँ पर जाएंगे, लेके आएंगे और फिर मिलते हैं आप। फाइनली अभी ऑटो के अंदर बैठ गए और अराउंड अराउंड आई थिंक 30 मिनट्स जितना टाइम लगेगा। सो लेट लेट मी सी यू आफ्टर 30 मिनट्स। तो फाइनली शोरूम पहुंच गए हैं और अभी यहां से जल्दी से गाड़ी ले लेंगे। एंड विल जस्ट यू नो, मैं जब रुका तो पीछे के गेट पे रुका, और गाड़ी एक्चुअली लेने जाने का है आगे के गेट से। सो सबसे पहले आगे के गेट पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ था, तो फिर मैंने सोचा कि अपने पीछे के गेट पे रुक गया, तो लेकिन पीछा का गेट बंद था। सो अभी विल गो फ्रॉम हियर। और अरे यार, ओके। सो ये रहा, अरे ये गेट भी बंद है यार। ओके, तो उस वाले गेट से जाना पड़ेगा आई थिंक। बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत। उस साइड वाले गेट से जाना पड़ेगा। यस, ओके। सो रिसेंट अपडेट ये है कि मेरे को गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन गाड़ी में अलॉय में भी एक छोटा सा बेंट आया या प्रॉब्लम आया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं एक दिन चलाता हूँ और फिर देखता हूँ कि उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं। और गाड़ी का हवा जो है वो कम हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर अहमदाबाद जाके करवाएंगे। तो अगर आप पैर की बात करें ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके अंदर का जो पोर्शन है, वहाँ पे रिम में प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अभी उसको देखना पड़ेगा कि वो गाड़ी का जो ट्रांसमीटर है वो क्या बोलता है। सो अपने अंदर जाएंगे और अंदर जाके एक बार देखेंगे कि गाड़ी में कोई मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो टायर प्रेशर मिला के ओके करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इट विल बी शोन आफ्टर सम टाइम, तो ऐसा वो दिखा रहा है। सो वो क्या कि एक बार थोड़ा गाड़ी चलाना पड़ेगा और उसके बाद ही पता चलेंगे। तो अभी हम निकलेंगे और सबसे पहले जो है वो हमें गणपति जी की मूर्ति लेनी है और थोड़ा सा क्या कि इवनिंग का राइड करना है। तो लेट्स जस्ट गो एंड सी व्हाट वी कैन फाइंड। राइड पॉसिबल है कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि आपको टाइम पता ही होगा, अराउंड 4:45 जैसा टाइम तो हो गया है। सो लेट जस्ट सी एंड लाइक देखते क्या होता है क्या नहीं। सो अभी पूरा फैमिली रेडी हो चुका है,
नमू एंड हमारे दोनों डॉग्स बापा मोरिया का वेलकम करने के लिए. सो एक्चुअली मैं कल से शुरू हो रहा है, राइट? कल से शुरू हो रहा है, लेकिन आज हम गणपति बापा की जो मूर्ति है वो लेकर आएंगे. तो फिर क्या है कि कल जाके फिर ऑफिस में जाके मूर्त के हिसाब से फिर पूजा करेंगे. बट क्या है कि उसके लिए पूरा मूर्ति लेने जाना पड़ेगा. सो जस्ट जाते हैं बाहर और देखते हैं, थोड़ा गाउंड साइड जाएंगे तो क्या है कि अच्छी मूर्ति मिले. और हम जो मिट्टी टाइप जो होगी ना उसको प्रेफरेंस देंगे, तो क्या है कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उसको कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट गो एंड सी क्या मिलता है और किस तरीके का रहता है. वाइब इतने मतलब लाइक इतना ज़ोरदार मतलब नहीं है माहौल जैसे बड़े बड़े गणेश जी लाते थे. लेकिन क्या है कि हाँ, आप घर में ला सकते हो, बड़े बड़े पंडाल नहीं हो रहे. और वो पंडाल का जो पूरा इनकम जो था, मतलब जो पूरा जो चीज़ था वो कोई अच्छे काम में जा रहा है. सो वो एक बहुत अच्छी बात है. लेकिन लेट जस्ट यू नो गो एंड सी के क्या क्या है और किस तरीके है, क्योंकि जो गणेश जी का जो फेस्टिवल है वो ये महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है. सो कल शायद हम कोई मंदिर में भी जाएंगे, लेकिन लेट्स जस्ट सी क्या है क्या नहीं और फिर हम बात करते हैं. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. दोस्तों ये तो अभी से ही इसकी पूरी की पूरी हवा निकलने लगी है. सो आई थिंक गणपति जी तो हमें यहाँ से ही नज़दीक से ही ले लेने पड़ेंगे. सो लेट जस्ट बाय एंड गो होम, क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन अभी ढूंढना ही पड़ेगा.